Good afternoon, everyone. We all have gathered here for an informative session on NDA to be taken by Mr. Kuldeep Singh Chandra. He is senior physics faculty by profession in Career Point Gurukul and Career Point Sikitar. He has qualified NDA SSB 2 times. He also has qualified Air Force Common Aptitude Test 3 times and University Entry Scheme for Army and Navy. He coaches students for NDA and similar exams. Aaj Kali Sunday, on behalf of Career Point Gurukul, welcomes you for an interactive session. We really feel proud to have you, sir, amidst us. Please give a round of applause to sir. Ma'am Principal and Kuldeep sir to felicitate Yash Chauhan of class 12 for clearing the written examination of National Defence Academy, that is NDA. So tell me, how's the Josh? Hi sir. Hi, sir. Thanks for India. How's the Josh? So I would like to ask a question from Yash, that why you want to join an NDA? Why not JEE? You want to say something? Sure. Yeah, come here. Good afternoon, people. Good afternoon, teachers. My name is Yash Chauhan. And sir, you asked the question, why NDA and not JEE? Sir, I believe NDA offers a bright future. It's a way to get into armed forces, navy or air force. जब भी अगर आपके घर में कोई अगर army person है, तो I'm sure you have a lot of respect for that person, and I too demand the same respect. So this is why I chose army. Nice. ये एकदम सच्चा और truthful answer. ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आर्मी से ये मिल जाएगा, आर्मी से वो मिल जाएगा, आर्मी से ये हो जाएगा, आर्मी से वो हो जाएगा. कुछ नहीं होता है. आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, अगर आपके आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं या कोई रिलेटिव आर्मी में है? नाइस. काफी टाइम हो जाता है कई बार तो पापा को देखे, 3-3 साल निकल जाते हैं. ठीक है, व्हेन माय फादर वाज इन सीआरचेन एक्सरसाइज इन वाटर, तो 3 साल हो गए थे, हमने शक्ल नहीं देखी थी. मतलब मेरे पापा तो ऐसे बताते हैं कि एक बार आए वो, और हम जब पैदा हुए थे 6 महीने का, इतना सा देख करके चले गए. फिर आए तो थोड़े और बड़े हो गए, फिर आए तो थोड़े और बड़े हो गए, फाइनली उन्होंने रिटायरमेंट ही ले लिया. ठीक है, तो आर्मी, अगर आप आर्मी के बारे में बात करेंगे तो आर्मी एज ए करियर ऑप्शन अगर आप ऑप्ट करते हैं, करियर से ज्यादा है रिस्पेक्ट. ठीक है, करियर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर रिस्पेक्ट. आपको जो रिस्पेक्ट मिलता है वो ऑल ओवर कहीं भी नहीं मिलता है. अगर आपके सामने एक डॉक्टर खड़ा हो, एक इंजीनियर खड़ा हो और एक आर्मी पर्सन खड़ा हो, तो आप लोग ये आंसर करें कि आप किसके लिए ज्यादा रिस्पेक्ट रखेंगे. आर्मी के पास डेफिनेट है, इसमें कोई दौरा है नहीं. ठीक है, और मैं खुद भी आर्मी के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूँ. इवन टुडे आल्सो आई एम ट्राइंग फॉर आर्मी. आर्मी में ट्राई कर रहा हूँ. आर्मी के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं. आर्मी के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं. आप लोग के लिए जो नीट स्टूडेंट्स हैं, जो नीट अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर अपीयरिंग फॉर नीट, प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ओके, एंड रेस्ट आर फॉर जेई. ओके, तो जेई वालों के लिए तो एनडीए है. ठीक है, लड़कियां भी नहीं कह सकती सर हमारे तो एनडीए है ही, कि आप लोग के लिए रास्ते खुल गए. और नीट वालों के लिए एएफएमसी, पता है एएफएमसी के बारे में? वो भी आपके बैकग्राउंड हो गया है. ठीक है, और बहुत अच्छी जॉब है, बहुत वाइट कॉलर जॉब है. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ. आप लोग कितने बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आर्मी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एयरफोर्स और नेवी? नो वन, ओनली वन. यार आर्मी को प्रोजेक्ट कर रहे हो, डर रहे हो, घबरा रहे हो, बात कर रहे हो?
सिर्फ एक दो तीन बस तीन, बाकी कोई नहीं। क्यों? Any reasons? अच्छा आप क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हो? Why you want to move on? Because I other wanted to be six seven in class five. जब तुम होता है जैसे भी आप किसी भी theater पे जाओ या जब बाहर आओ तो उतने routines बनते रहते हैं आपके। तो जब मैं class fifth में था तो इतना तो mature था नहीं कभी। तभी पापा वो लोग सब एक बार कैसे कह रहे थे कि वन ऑफ माय रिलेटिव्स बहुत ज्यादा अचीवमेंट मिला, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मिला उसको। सो दे वर ऑल अप्रिशिएटिंग दैट कि भाई ऐसा ऐसा बात है। तो वो एक था कि हाँ रिस्पेक्ट है इसमें ज्यादा, मतलब सब अप्लॉज होता है। फिर एक दिन पापा ने एक मूवी लिखा, मेरे पापा मूवी दिखाया था फॉरन मतलब हॉलीवुड मूवी रेड आर्मी करके। तो वो मूवी देख के मतलब ऐसा था कि जब मैंने वो देखा उसके बाद से मतलब था कि कैसे भी करके डिफेंस में जाऊँ। तो तभी से मुझे एयरफोर्स जो फ्लैट मतलब जो एयरफोर्स फैकल्टी है तो तभी से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। जस्ट आई वांट टू बी एयरफोर्स ऑफिसर। नाइस। अच्छा आपको पता है आप आर्मी में रहकर भी एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं? यस। नाइस, ठीक है। एंड व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एन आर्मी? अरे हम सब नहीं करेंगे यार, हम तो इंजीनियर डॉक्टर सब दे रहे हैं यार। मतलब हमारा तो गुड है ही नहीं। दिल दुखा दिया है ऐसी क्या बात? मतलब यहाँ तो प्रिंसिपल मार के यार यहाँ तो झूठ बोल देना था कि नहीं सर आप भी सर्व कर रहे हैं। एवरीवन सर। अच्छा आप भी सर्व कर रहे? कैसे? पढ़ाई करके। पढ़ाई करके? हाँ पढ़ाई करके। सच्ची सच्ची बताना आज कितने घंटे पढ़ाई करती? स्कूल आर्ट्स के अलावा देखो क्वेश्चन मार्क आ गया ना चाहे। अच्छा मतलब आर्मी भी को नहीं है, नेशन को सर्व कर सकते हैं। फिर पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? चलिए ठीक है। आर्मी आप लोगों को सिखाता है डिसिप्लिन, ठीक है। आर्मी लाइफ नहीं है, आर्मी जॉब नहीं है, आर्मी इज अ लाइफ, ठीक है। आर्मी जॉब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आर्मी इज अ जॉब, आर्मी इज नॉट अ जॉब, आर्मी इज अ लाइफ। आप अभी कैसे हैं वही आप प्रोजेक्ट करेंगे इन फ्यूचर में भी। अगर आपका आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स देन यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ इन स्पोर्ट्स। आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे आर्मी बैकग्राउंड के। अच्छा नीरज चोपड़ा का नाम किस किसने सुना है? ठीक है नीरज चोपड़ा का सभी नाम सुना है। ओलंपिक से पहले सुना था या बाद में सुना है? बाद में सुना। किसने पहले पहले ओलंपिक से पहले किसने सुना हुआ है? कोई नहीं। मतलब जीके में इंटरेस्टेड नहीं है किसी, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है जीके में। फिर कहते हैं पढ़ाई करते हैं सर, हम तो नेशन को सर्व कर रहे हैं। चलो नीरज चोपड़ा इज आल्सो फ्रॉम आर्मी। पता है कितनों को ये बात पता है? आर्मी में है वो, ठीक है। तो अगर आप स्पोर्ट्स क्वार्टर से हैं तो भी आर्मी आपको बहुत कुछ दे रहा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी आपकी जो भी हॉबीज हैं उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आर्मी में जा करके। इफ यू वांट टू बिकम इन माउंटेनियर तो आप माउंटेनियर भी बन सकते हैं। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आर्मी भी एमबीए करवाता है। और इसके अलावा अगर मैं आर्मी की बात करूं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपका एनडीए में सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने बोला यूईएस यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, ये स्पेशली जो डायरेक्ट एंट्रीज होगी। अच्छा 12% बेसिस पे भी डायरेक्ट एंट्रीज बताता हूँ आप लोग को। टीएस टेक्निकल एंट्रीज की, किस कितने बच्चों को इसके बारे में पता है टीएस के बारे में? ठीक है टीएस डायरेक्ट एंट्री स्कीम है, उसमें आप डायरेक्ट 12% के बेसिस पे डायरेक्ट एसएसबी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। बट उसका परसेंटेज क्राइटेरिया थोड़ा हाई रहता है, 92-93%। हमारे टाइम पे 86% था, अभी बताने कितना हुआ दैट आई डोंट नो।
तो वो डायरेक्ट एंट्री है TS, अगर आप NDA क्वालिफाई नहीं करते हैं, और अगर आप NDA क्वालिफाई करते हैं दैट इज गुड फॉर यू, और NDA क्वालिफाई करने के लिए कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं है, यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर मैथमेटिक्स स्पेशली JEE एस्पिरेंट्स ना, तो मेरे ख्याल से 300 मार्क्स का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है, और 600 का हमारा दूसरा पेपर होता है दैट इंक्लूड्स इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 50 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश एंड 100 क्वेश्चंस फ्रॉम JEE, ठीक है। हमारे टाइम पे 3 पार्ट्स में पेपर होता था, इंग्लिश का अलग होता था, जीके का अलग होता था, मैथ्स का अलग होता था, तो अभी मैथ्स और जीके इन्होंने कंबाइन कर दिया है और दैट इज ऑफ 600 मार्क्स, तो जीके भी इतनी बुरी नहीं है आप लोगों की, साइंस आती है ना सबको अप टू 10th, ठीक है, स्पेशली जो एनडीए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आप लोगों को साइंस आती है अप टू 10th तो यू विल क्वालिफाई दैट जीके एग्जाम, कुछ नहीं चाहिए उसमें, हिस्ट्री चाहिए थोड़ी सी, बाबर कब आया था, अकबर ने कौन सी लड़ाई करी थी, हुमायूं कहाँ था, हुमायूं टॉम कहाँ है, और डैम्स सारे डैम्स वगैरह बता कर देना, कौन से रिवर कहाँ से फ्लो कर होती है, नॉर्मल रिवर्स के, ऐसा नहीं कि बहुत सारे रिवर्स हैं हमारे इंडिया के पास में, जैसे गंगा के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में, ठीक है, जो मेन मेन रिवर्स हैं इनके बारे में पता कर लेना, और ताजमहल किसने बनवाया था ये तो सबको पता होगा, ताजमहल किसने बनवाया था, एवरीवन नोस ना, कोई ऐसा जिसको नहीं पता, किसी को भी रैंडम उठा के पूछ लो ताजमहल किसने बनवाया, आवाज ही नहीं है, ठीक है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया था वो ये सब वो काम की बात नहीं है किसने बनवाया, सही बात ये चलिए, तो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया आपको पढ़ना क्या क्या है, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, डैम्स आपको पता करने हैं, रिवर्स आपको पता करने हैं, फोक डांसेस कौन से स्टेट के कौन कौन से फोक डांसेस हैं, ठीक है, इससे ज्यादा जीके पर मत जाओ, और थोड़ा सा लैंड्स के बारे में पता कर लो, सॉइल्स वगैरह के बारे में पता कर लो, कौन सी एरिया की लैंड कैसी है और कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस कहाँ कहाँ लाई करती है, ठीक है, और स्पेशली ये पता कर लो सी पोर्ट्स कहाँ, मतलब कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा एक नॉर्मल अगर आइडिया रखोगे उसके बाद ये जीके क्लियर हो जाएगा, ये तो सबको पता है ना कि आरबीसी के बारे में तो सुना है, जेई वाले बच्चे बता रहा सबके तोते उड़ा रहे रेड ब्लड आगे सेल्स चिताली में सेल्स है कि कॉर्पसल्स है तो सेल्स बता रहे पक्का इंजीनियर बनोगे तुम सेल्स और कॉर्पसल्स से एक ही बात है सर है ना तो थोड़ा सा ये ब्लड ग्रुप्स के बारे में पता कर लेना ए बी सी विटामिन के किस किस में किस किस की कमी से कौन कौन से विटामिन की कमी से डेफिशिएंसीज के बारे में सीख लेना ठीक है तो अगर ये सारी चीजें कर लोगे तो तुम्हारा जीके भी क्लियर हो जाएगा और रही बात इंग्लिश की तो आई थिंक यू आर दैट मच केपेबल की इंग्लिश तो क्लियर हो ही जाएगा है ना सब केपेबल इतने Yes or no? Yes sir. ऐसे yes बोला करो तुम लोग क्लास में भी yes no नहीं बोलते हो वहां पर भी मैं पढ़ा पढ़ा के परेशान हो जाता हूँ ना yes आता है ना no आता है अच्छा लाइव क्लासेस कौन कौन अटेंड करते हैं करते थे लाइव आते हो डेली तो फिर लाइव कैसे हुआ यार मतलब पहले आता चलिए ठीक है जीके हो गया इंग्लिश हो गया मैथ्स तो सबको आता है ना सबको मैथ्स बायो वाले भी हाँ बोल रहे नहीं वो अलग है एनडीए वाला मैथ्स अलग है ठीक है अगर आप लोग एनडीए के लिए प्रिपेयर करें तो मैथ्स आपको इतना अगर आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से किया हुआ है तो आपका एनडीए क्लियर होगा एनडीए डिफिकल्ट टास्क नहीं है बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर करना बहुत आराम से आप क्लियर कर सकते हो ठीक है मैथ्स के बारे में बात होगी इंग्लिश के बारे में बात होगी जीके के बारे में बात होगी और अगर आप में से आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग एसएसबी के लिए जाना चाहते हैं तो एसएसबी के लिए मैं आपको बहुत बहुत सिंपल सी चीज है जो आपकी रूटीन लाइफ होती है वो रूटीन लाइफ वो लोग चेक करते हैं वहां पर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है या नहीं दे आर चेकिंग 15 OLQs इनसाइड यू आपके अंदर अगर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं तो आप ऑफिसर बन जाओगे इफ यू आर नॉट हैविंग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देन दे विल नॉट रिकमेंड यू वो एक क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते एंड यू विल बी शॉक्ड कि वो 15 OLQs आपके अंदर डिमांड करते हैं
बट अगर अंदर आपके अंदर 8 OMQs भी हैं, इफ यू आर हैविंग 8 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, देन आल्सो दे विल रिकमेंड यू, तब भी वो आपको रिकमेंड कर देंगे. बट यू आर हैविंग 7 OMQs इनसाइड यू एंड यू आर लैगिंग इन द 8th वन, देन दे विल नॉट रिकमेंड यू, बिकॉज दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटीज. वो क्वालिटीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. इसीलिए जो अभी इसने यश ने बोला ना कि एक ऑफिसर को देख के, आर्मी नेवी या एयरफोर्स के ऑफिसर को देख करके एक रिस्पेक्ट निकलता है, तो वो क्वालिटीज आपकी ही हैं, वो फ्लरिश करते हैं उन क्वालिटीज को. आप जब एकेडमी में जाएंगे, एकेडमी में 3 साल का आपका कोर्स होगा, उसके साथ उसके बाद 1 साल का आपका ट्रेनिंग होता है. इन दैट वन ईयर दे फ्लरिश ऑल योर क्वालिटीज, और फिर उसके बाद आपको वो मैन से जेंटलमैन और वुमेन से जेंटल वुमेन बना, और बिल्कुल अलग पर्सनालिटी आप लोगों की हो जाएगी. आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. अगर मैं आपको बोलूंगा कुछ भी बोलने के लिए, आप प्रिपेयर नहीं हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं. आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको घबराहट होगी नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना ट्रेनिंग में इतना तोड़ दिया है आप लोगों को. अगर एनडीए के भाषा में बात करूं तो रगड़ा बोलते हैं उसको, 1 साल का रगड़ा होता है, और ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं एनडीए, रगड़ा तोड़ देना. रगड़ा मतलब लिटरली रगड़ा होता है, रैगिंग होती है, डरा नहीं ना. ये नहीं कि कुछ बच्चे जो जाना चाहते हैं वो भी डर के, नहीं सर मैं तो मम्मी की परी हूँ, मैं पापा का परा हूँ. जो मम्मी की परी और पापा के परे हैं वो तो भूल जाना, आर्मी उनके लिए नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा निकलना पड़ेगा आपको. और एसएसबी के लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी एसएसबी के एटलीस्ट आप अपनी लाइफ में एक बार एसएसबी दें. आई वांट दैट, क्योंकि एसएसबी देकर के आपको अपनी क्वालिटीज के बारे में पता लगता है, आपको पता लगता है कि आप कहां पर लैक कर रहे हैं. ठीक है, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन देखते हैं, आप अपने आपको इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि आप कौन कौन सी क्वालिटीज में लैक कर रहे हैं, और लैक कर रहे हो तो क्या आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो क्वालिटीज आप इंप्रूव कर सको. अच्छा, आपको एक और चीज बताता हूं. आपको पता है आपके फ्रेंड्स जो आपकी क्वालिटीज हैं, सिमिलर क्वालिटीज आपके फ्रेंड्स की भी होगी. कोई ऐसा बच्चा जो कहे कि नहीं सर मेरा दोस्त ऐसा है, उसकी क्वालिटी और मेरी क्वालिटी बिल्कुल अलग है, मैच ही नहीं करती है. कोई है? सबके मन में तो यही चल रहा है, सर है तो ऐसा ही, बट हम आपकी बात नहीं हाँ बोलना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा. वो सुना होगा आपने, बर्ड्स ऑफ सेम फैदर फ्लॉक टुगेदर, ये इसी ने कहा होता है. और ऐसा होता है ना, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, बड़े बुजुर्ग एक्सपीरियंस के साथ में कहते हैं. तो अगर आपकी क्वालिटी सेम है तभी आप साथ में रह सकते हो, अगर आपकी क्वालिटी सेम नहीं है, कोई एक तो क्वालिटी आपकी सेम होगी तभी आप साथ में रहे. अगर एक भी क्वालिटी आपकी सेम नहीं होगी तो आप साथ में नहीं रह सकते, वरना रोज लड़ाई होगी. रूम पार्टनर के साथ रोज लड़ाई होगी, पता पड़ा कि रूम पार्टनर को आज बाहर निकाल दिया, आप अंदर से लॉक करके बैठे हो, रूम पार्टनर बाहर से कौन 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 मेरा ही रूम है. ऐसा होता है कि नहीं होता है? डेली होता है? लड़कों में तो नहीं होता होगा, लड़कों में तो मेरे ख्याल से सारे एक ही कमरे में सर, कॉमन रूम है ये हमारा. यश चाहिए सर रूम 101 में चले जाओ वहां मिलेगा, और प्रणय चाहिए सर वहीं चले जाओ, और अभिषेक चाहिए सर वो भी वहीं मिलेगा, सभी वहीं मिलेंगे सर. लड़कियों में ऐसा होता है, एक लड़की हाँ भी बोल गई सर हाँ चलो कोई बात. चलिए, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग देन यू आर फ्री टू आस्क. अरे पूछो भाई, काफी टाइम से मैंने सुना था कि सर आप गुरुकुल क्यों नहीं आते, गुरुकुल क्यों नहीं आते. अभी मैंने पूछा कौन कौन लाइव क्लास में आता है, तो बोल रहे सर हम नहीं आते. सर दो या तीन बच्चे आते, बोलते सर आप पढ़ा दो उनको. पढ़ा तो रहा हूँ भाई, और कैसे पढ़ा दो. कोई क्वेश्चन नहीं है डिटर्मिनेशन, करेज, स्टैमिना, इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी. बाकी याद करनी पड़ेगी, भूल गया. 15 है. अच्छा, डिटर्मिनेशन के बारे में बताता हूँ. डिटर्मिनेशन, आप कितने डिटरमाइंड हैं अपने किसी भी टास्क को लेकर के.
अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर करें तो ऐसा नहीं कि उनकी उन क्वालिटीज के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा या अलग से कहीं कोचिंग जाना पड़ेगा या किसी कोचिंग में जाते हैं वहां पर स्टैमिना किसी कोचिंग पे स्टैमिना सिखाते हैं क्या नहीं सिखाते हैं किसी भी कोचिंग में स्टैमिना नहीं सिखाते किसी कोचिंग में डिटर्मिनेशन सिखाते हैं नहीं सिखाते सोशल एडेप्टेबिलिटी किसी कोचिंग में सिखाया जाता है सोशल एडेप्टेबिलिटी आप जो गुरुकुल में है ये गुरुकुल में आप अलग अलग स्टेट से हैं सभी बच्चे ठीक है दिस इज सोशल एडेप्टेबिलिटी आप कितने एडेप्टेबल हैं सोशली आपके कितने फ्रेंड्स हैं नॉर्मली अब फ्रेंड नहीं इसका मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक चल यार आज चाय पी के आते हैं चलो आज वहां घूमते हैं आज पढ़ाई अरे छोड़ना आज उसका बर्थडे आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट सोशल एडेप्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है सोशल एडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि आप उस माहौल में कितना जल्दी ढल जाते हैं होता है ना गुरुकुल में जब नए नए आए थे तब चार दिन तक मम्मी की याद आ रही है पापा की याद आ रही है घर जाना है मुझे किया था सबने ये सोशली एडेप्टेबल है जिसने मना कर दिया ये सोशली एडेप्टेबल है ये बेसिकली तुम लोग घर से भागना चाह रहे थे वो सोशल एडेप्टेबिलिटी नहीं है बेटा वो घर से भागने की जल्दी थी बहुत हो गया थोड़ा निकलना है घर से और अगर मैं बात करूं आपके एसएसबी के मतलब आर्मी के लिए या फिर किसी भी जेंटलमैन कैडेट के लिए अगर हम वहां पे जीसी बोलते हैं जितने भी कैडेट्स होते हैं दोस आर इन एकेडमी दे आर कॉल्ड एज जीसीस जेंटलमैन कैडेट्स उनको सुबह उठते से ही सबसे पहले आज मेरे फादर रिटायर्ड हुए थे 2003 में ठीक है आज भी उनका रूटीन है सुबह वो उठते हैं 4:30 बजे उनका रूटीन फिक्स है उनको वॉक पे जाना है 15 किलोमीटर का वॉक करते हैं वो डेली फिक्स है ठीक है उसके बाद वो आएंगे फिक्स उनका 10 बजे ऑफिस होता है 9:30 बजे वो तैयार होकर बैठ जाए और अगर 9:35 हो गया तो फिर घर में तहलका मच जाता है ऐसा आर्मी ऑफिसर्स के साथ भी होता है वो बिल्कुल डिसिप्लिन होते हैं इतने ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं कि अगर आपको टाइम दे दिया 9:30 का तो वो शार्प 9:28 9:27 पे वहां पहुंच जाएंगे वो 9:31 नहीं करेंगे वो उनकी उनकी लाइफ में आ गया है ये सारा का सारा जो डिटर्मिनेशन है जो डिसिप्लिन है वो उनकी लाइफ में आ गया वो सिखा दिया गया है आप उसे कितने बच्चे डिसिप्लिन है कितने बच्चे सबसे पहले उठते ही अपने बेड बेड को सेट करते हैं कोई नहीं करता है ओनली वन बाकी कोई पिलर के पीछे जो मुझे नहीं दिख रहा सिर्फ एक ये बहुत गंदी आदत बहुत गंदी आदत एक नेवी के ऑफिसर थे बट उन्होंने बोला था कि जो ऑफिसर की क्वालिटी होती है वो शुरू होती है उसके उठने से वो उठने के बाद सबसे पहले अपने अपने बेड को रोल करता है अपने बेड को रोल करने के बाद क्योंकि वही उसको एनर्जी क्रिएट कर एनर्जी प्रोवाइड जो होती है ना सबसे पहले एनर्जी चाहिए होती है उनको मॉर्निंग में जो एनर्जी चाहिए होती है वो बेड से मिलती है उनको अगर आपका बेड नीट एंड क्लीन है तो आपको वहां से एनर्जी मिलेगी और अगर आपका बेड नीट एंड क्लीन नहीं है तकिया इधर पड़ा है पिलो इधर है और आपका चादर उधर पड़ी हुई है आप क्या करोगे अभी क्लास के बाद जाओगे वो फैला हुआ तो है ही आपका बेड वहीं जाकर के सो गए यही होगा और अगर नीट एंड क्लीन है आपका बेड तो आप सो गए नहीं आपको नींद ही नहीं है आपको आलस भी नहीं आएगा रूम में जैसे आप एंटर करोगे आपको आलस नहीं आएगा और अगर आपको प्रैक्टिकल करना है ऐसा 3-4 दिन करके देखो अपने आप पता लग जाएगा जिस बच्चे को सबसे ज्यादा आलस आता है कि नहीं सर अभी पढ़ने का मन नहीं है सर्दियों का मौसम है आलस बहुत आ रहा है तो एक बार सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर 5 दिन तक अपने बेड को क्लीन करो सुबह उठते पहले सबसे पहला काम करना है अपने बेड को नीट एंड क्लीन कर लेना ठीक है सिर्फ 5 दिन के लिए कर सकते हो ऐसा कर सकते हो ऐसा पीछे वाले जो बात कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं ऐसा थोड़ा जोर से कर सकते हो ऐसा जो बात कर रहा था उसने तो बोला ही कर सकते हो नहीं कर सकते ठीक है तो 5 दिन के लिए अब मतलब डेली कल से हम ये काम करने वाले हैं पक्का ना ठीक है उसके बाद फिर अपडेट करना कि किस किस को आलस आता है किसको नहीं आता रूम में एंटर करने के बाद ठीक है स्पेशली जिनको भी सबसे ज्यादा आलस आता है पढ़ाई करने में ठीक है ट्राई कर सकते हो इस चीज को और अपने जूते चप्पल जो जगह है जूते चप्पल का स्लीपर्स का जो स्टैंड है वहीं पर रखा ऐसा नहीं कि स्कूल से गए अपने रूम में जूते खोल के बेड के नीचे फेंक दिए चप्पल उधर फेंक दिया वो नहीं मिल रहा है स्कूल जाना है कल सुबह देखेंगे फिर ढूंढ रहे हो स्कूल जाते जाते अरे रुक यार मेरा एक जूता नहीं मिल रहा है
होता है ना ऐसा? नहीं, इधर होता है वो, होता है ना? तो ये सारी चीजें अवॉइड करो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे तुम अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकते हो। कोई कोचिंग तुम्हें ये क्वालिटीज नहीं सिखाएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये अगर तुम किसी आर्मी ऑफिसर से मिलते हो तो उसको देखना, उसका ड्रेसअप, उसका ड्रेसअप का स्टाइल देखना, उसका चलने का स्टाइल देखना, उसका बोलने का स्टाइल देखना। वो बड़ा प्रिसाइज होता है अपने वर्ड्स के साथ, वो एक्स्ट्रा इधर उधर की बात नहीं करता है। अगर पॉलिटिक्स की बात चल रही है वो पॉलिटिक्स की ही बात करेगा, पॉलिटिक्स से वो स्पोर्ट्स में नहीं चला जाएगा। स्पोर्ट्स की बात चल रही है वो स्पोर्ट्स की बात करेगा, स्पोर्ट्स से वो किसी करियर बैकग्राउंड में नहीं चला जाएगा। तो अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की जगह एक जगह फोकस करो। अब कुछ भी काम करो, आई एम नॉट सेइंग कि यू जस्ट गो फॉर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इफ यू वांट टू गो फॉर जेई, इफ यू वांट टू गो फॉर नीट, इफ यू वांट टू गो फॉर एनी एग्जामिनेशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, जस्ट गो फॉर दैट, जस्ट डू योर 100%। वो 100% देने के बाद फिर आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैं 1% शायद और दे सकता था। अगर आपके दिमाग में एग्जाम देने के बाद ये आता है कि मैं 1% और दे सकता था, इसका मतलब आपने 100% नहीं दिया। एग्जाम देने के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, अब जो भी आएगा वो रिजल्ट मुझे एक्सेप्ट होगा। ठीक है, आप किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करो। आई एम नॉट सेइंग कि यू मस्ट प्रिपेयर फॉर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात करेंगे तो वो तो व्हाइट कॉलर जॉब है ही, इंजीनियर्स का भी, ऐसा नहीं, आई एम आल्सो एन इंजीनियर, इंजीनियर्स का भी है, टीचर्स का भी, आई एम आल्सो टीचर। तो यहाँ रूम में जितने भी टीचर्स है वो ऐसा ना समझे कि टीचर्स का नहीं है। सबका सबका अपना अपना जॉब होता है। डू योर जॉब विद 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी के साथ। 100% एफिशिएंट तो कोई नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया सबने? सवाल पूछेंगे सर। मैकेनिक्स पढ़ लिया? थोड़ा थोड़ा। 11th वाले कितने इसमें? अभी भी थोड़ा थोड़ा। टर्मर हो गया ना आप लोग का? हाँ हो गया, मुझे पता है हो गया आपका टर्मर। तो अभी भी थोड़ा थोड़ा मैकेनिक्स पढ़ा है? पूरा पढ़ा है? कुछ भी पूछ सकता हूँ मैकेनिक्स से? चलो डर हो गया, कुछ नहीं। देखो तुम्हारी जो कंडीशन है सेम कंडीशन मेरी भी थी जब मैं 11th 12th में था। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल अलग हो गया हूँ, थोड़ा सा एज हो गया, एक्सपीरियंस आ गया है, तो तुम्हारा डर समझ सकता हूँ। अगर थोड़ा बहुत आता होगा वो भी भूल जाओगे, ऐसा है ना? तो थोड़ा बहुत आता है वो भी भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग, इफ यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग, यू आर फ्री टू आस्क किसी भी चीज के रिगार्डिंग। सर आप बोल रहे कि सबको लाइफ टाइम में एसएससी एग्जाम देना चाहिए। yes. तो उसमें लाइक 12th के बाद, 12th के बाद दे दोगे तो बहुत अच्छा है, 12th के बाद ही दे पाओगे, 12th से पहले तो दे नहीं सकते। सर उसमें मैथ्स भी आते हैं? मैथ्स सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए मांगते हैं, द डिमांड मैथ्स ओनली फॉर आर्मी। ठीक है, अदरवाइज अगर बायो स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा तो एएफएमसी ही आपका ऑप्शन है, बाकी आप लोगों के पास ऑप्शंस कम है। और जो मैथ्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट है इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, बट स्टिल दे रिक्वायर मैथ्स परसेंटेज इन दैट। इफ यू आर गोइंग फॉर एयरफोर्स दे नीड मैथमेटिक्स मार्क्स इन 12th। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू गेट इनटू एयरफोर्स? Why only Air Force? Why not Army, Navy? Because I just focus on Air Force. आपको पता है Army, Navy, Air Force के अलावा एक और हमारे पास prestigious services हैं। What was that? Coast. Yes, very nice. Coast Guard. Why only Air Force? You want to be a pilot? Yeah. तो आप Army में बन सकते हो pilot. So, if you are in aviation corps, you want to be you will become a pilot. If you are in अगर आप navy में हैं तो भी आप pilot बन सकते हैं, even आप coast guard भी pilot बन सकते हैं। I do, but अभी फिलहाल के लिए sir air force इसमें army option, that's why I'm maths background से हैं, neat background से maths background से, तो NDA आपके लिए एक option है, उसके बाद TES एक option है, technical entrance की,
बट एयरफोर्स जो है वो डायरेक्ट एंट्रीज नहीं लेता है. एयरफोर्स सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू ही एंट्रीज लेता है. दैट वॉज फ्रॉम NDA एंड दैट इज फ्रॉम FCAT एंड CDS. आफ्टर ग्रेजुएशन दैट वॉज CDS एंड FCAT. एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट वो एयरफोर्स का अलग से लेता है. ठीक है. और डायरेक्ट एंट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्ट एंट्रीज हमारे पास बहुत सारी है, बहुत सारी है. आप NCC से हैं तो आप NCC की भी डायरेक्ट एंट्रीज होती है और साल में दो बार होती है. NDA का एग्जाम भी साल में दो बार होता है, पता है ना सबको. NDA 1 एंड NDA 2 साल में दो बार NDA का एग्जाम होता है. आप 12th के साथ भी अपीयर कर सकते हो, 12th के बाद में भी अपीयर कर सकते हो. सेम एज दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NEET एंड JEE. ठीक है. और उसके बाद TS एंट्री होता है, टेक्निकल एंट्री स्कीम फॉर नेवी एंड आर्मी. ठीक है. दैट इज डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ योर 12th. क्लियर. उसके बाद हमारे पास ग्रेजुएशन एंट्रीज होती हैं, स्पेशली NCC. अगर मैं NCC की बात करूं, आप NCC के थ्रू भी जा सकते हैं. एयरविंग एयरफोर्स एयरविंग एयरफोर्स NCC एयरविंग. इफ यू आर इन NCC एयरविंग एंड यू आर सी सर्टिफिकेट क्वालिफाइड, देन ऑल्सो यू आर एप्लीकेबल फॉर SSB इंटरव्यू एग्जामिनेशन. और NCC के लिए गर्ल्स एंट्रीज भी हैं. ठीक है. अगर कोई लॉ बैकग्राउंड से जाना चाहता है तो उसके लिए JAG एंट्रीज होती है आफ्टर ग्रेजुएशन. आप में से आपका कोई ज्यादा टाइम हो गया तो बता दीजिए, ये भी बोर हो जाएगा. JAG एंट्रीज अगर आपका कोई रिलेटिव हो, कोई लॉ बैकग्राउंड से हो, तो वो भी आर्मी का इंटरव्यू हो सकते हैं, क्योंकि आर्मी के खुद के कोर्ट्स होते हैं. ठीक है. वो बाहर के जो सिविल कोर्ट्स होते हैं इनमें अप्लाई नहीं करते, उनके जितने भी केसेस होते हैं वो आर्मी कोर्ट्स में ही चलते हैं. तो उसके लिए ऑफिसर्स भी आर्मी के ही होते हैं. ठीक है. अगर आपका कोई कजन या कोई नियर बाय में कोई अड़ोसी पड़ोसी या मन कर रहा हो अपने पड़ोसी को बताने का, उसका उनके बच्चे अगर एमबीए करना चाहें तो आप उनको बता सकते हैं कि मुझे पता है JAG एंट्री होती है. ठीक है. और TS हो गया. हाँ, आप अगर JEE एस्पिरेंट्स हैं तो ड्यूरिंग योर कॉलेज, जैसे कॉलेज कैंपस में रिक्रूटमेंट्स होते हैं, कैंपस ड्राइव्स होती हैं, पता है ना. कैंपस ड्राइव्स होती हैं, कंपनीज आपके कॉलेज में आती हैं, आपका प्लेसमेंट होता है कॉलेज से. सिमिलरली आर्मी और नेवी भी कैंपस ड्राइव करता है, एयरफोर्स नहीं करता है, आर्मी और नेवी भी करता है. उसका नाम रखा है इन्होंने UES यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम. आपका एक इंटरव्यू होता है कॉलेज लेवल पर ही, आप वो इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं. Then you will call for SSB interview. उसके बाद वापस आपका SSB interview procedure होगा. That is for 5 days, 5 to 8 days basically. और अगर आपको officer बनना है तो आपको SSB तो देना ही होगा. That is prime requirement. और जवान बनना है तो फिर अलग. ठीक है. और अगर कोई ऐसा सोचता है कि सर मैं physically fit नहीं हूँ, कोई भी लड़का है कोई भी लड़की, कि मैं physically fit नहीं हूँ, मैं आर्मी में नहीं जा सकता, ये बहुत बड़ा myth है, बहुत बड़ा myth है कि आप फिजिकली फिट नहीं हो और आप आर्मी में नहीं जा सकते हो. वो आपको फिजिकली फिट कर देंगे उसे, बस आपकी मेडिकल कंडीशंस ये होनी चाहिए कि वो जो फिटनेस उनकी रिक्वायरमेंट होती है, आप उनकी जो ट्रेनिंग है 1 महीने की, 9 महीने 9 मंथ्स की या 11 मंथ्स की, उनकी जो भी ट्रेनिंग है वो अकेडमी के बेसिस पे होता है 9 मंथ्स और 11 मंथ्स. तो आप उसके लिए केपेबल हो या नहीं हो, आपकी मेडिकल फिटनेस ऐसा है कि आप उस ट्रेनिंग को आप एब्जॉर्ब भी कर सकते हो या नहीं कर सकते. अगर आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो तो वो आपको रिकमेंडेशन नहीं देंगे, और अगर आप एब्जॉर्ब कर सकते हो तो आपको रिकमेंडेशन देंगे. ठीक है. और अगर कोई कहता है कि सर मैं तो ओवर वेट हूँ, वो तुम्हारा वेट कम कर देंगे बेटा, इतना कम कर देंगे तुम्हारे घर वाले पचाने से मना कर देंगे. तुम्हारे घर वाले कहेंगे 50 किलो का भेजा था, 30 किलो का वापस आया. और ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे कजिन्स, बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं. जब उनकी शक्लें देखता हूँ, स्पेशली जब वो एकेडमी में थे, अभी तो मोस्ट ऑफ देम आर इन सर्विसेज, जब वो एकेडमी में थे तब उनकी शक्ल ही चेंज हुई, कोई पहचान में नहीं आता. सो एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू मैम. Session. Definitely, whatever the information you have imparted is going to help our students in future. Now, I would request Ma'am Principal to come here and say few words on this occasion. Thank you so much, Itali Ma'am. Thank you so much, sir.
Knowledge at any age is an advantage, and today with your words, with your motivation about completely something, a new field has opened up for all of us. I'd like to share my experience as I'm a motivational speaker. I was in MBA and I was the placement officer for my university, and once I was traveling in a train and opposite was, you know, an army officer sitting. And he just asked me what, you know, what kind of questions do you ask him, you know, when you're preparing your candidate for, you know, interviews. So I gave him like, you know, MBA is supposed to be like this, they should have this quality. Then he said, you know, I'm coming back from conducting an interview. So I said, okay, can you share an experience? He said, I will tell you about an experience of a girl. This girl has qualified the written examination, but could not clear the interview. Then I met her the next time, again she cleared the written examination, but she could not clear the interview. And it kept on happening, you know, the third time. So I told the girl that, you know, maybe it's not meant for you. You know what the girl replied to me? She said, sir, I promise you that one day I'll be sitting with you and having a lunch in an army mess. I said, that's not possible, because I have rejected you. He said, sir, you rejected me to become an army officer, but I'll marry an army officer and I'll sit with you. So that's a clarity. If your determination is there, no matter what happens, you will achieve it. When I talk to most of the students in the class, whether it's 11th or 12th, I don't see that kind of clarity. How many of you who are pursuing NEET have already started doctor in front of their names? How many of you who are preparing for JEE have already started believing themselves as engineer? I was not, you know, I'm from family where it's all about doctors and engineers, and when I told them I want to, you know, pursue commerce, they were like, my God, it's a crime. In a family of doctors and engineers, you don't talk about commerce. But I pursued it. So the only one question my father asked me, like, okay, in front of, you know, it's my grandfather, it's written doctor, and your father, it's written engineer, what will you write? So I don't know what I'll write, but my name will be in the newspapers, but I'll make you proud. I'll be, you know, at this particular age, I'll be sitting in an office with my own car, and this will be the size of my office. I said, okay, fine. And down the line, after 10 years, the dream was achieved. So it's not about whether you want to become an army officer or whether you want to become a doctor or engineer. The question is, whatever you want to become in life, have a clarity of goal. And don't lie to your own self. Like sir has said, I have heard that interview where there was this officer where he said, you know, what is the first point that the quality of an officer? He said, when you get up in the morning and you make up your bed. If you can't make your own bed and you're asking for a responsibility of managing an office, that's not possible. First, manage your own self. You're lucky that in your case you have overflow of information. But the bad and the negative side is, with so much information given to you on a platter, your effort is not there. Okay, so my only request to all of you is, you may not become an army officer, but you have every right to become a gentleman. You may not end up being, you know, in army, but like I said, you can always marry an army officer. But decide your goals in life, and this is the right time. And yesterday I was watching an interview of Amitabh Bachchan, he's an amazing speaker. You know, we have so many superstars. How many of you are aware that, you know, superstar tag was because of Rajesh Khanna? But your generation even does not know about him. He was an extremely good actor with a lot of popularity but limited field. Amitabh Bachchan, in spite of having the maximum downfall in his career with the financial losses amounting to multi-crores of rupees, still is number one. What made him survive all these years was not his talent in acting, but his knowledge. Whatever you're doing,
that will become obsolete. You know, the money, everything. At one point of time, you will lose it. It's age, there is a downturn. Beauty goes down. Money, at one or another time, it is only knowledge that with time only increases. So nobody is stopping us. When a sir says that, you know, there is a kind of examination you can give. So back of your mind, you should be already thinking about, today I have to go and search what this examination is all about. What you are having today is age in your sight. What you are having today is knowledge on your sight. So, my dear friends and my dear students and all my colleagues who are sitting here, I wish that whatever profession you choose in your life, like sir said, there has to be some qualities. He may have chosen a profession of a teacher, but he is dedicated. Sir has chosen a profession of an admin officer, but he has his own qualities. So nobody is stopping you. You can choose any profession, but don't forget that 15 qualities in the benchmark of 8. The girls sitting here should be proud that, you know, these are my colleagues. And similarly, the men, I would rather like to call you men, you're no longer boys, so stop behaving like that. So the men who are sitting here should have that kind of a quality. Like today, I was after Yash, can you give me 5 minutes? I want to introduce you to my students. Can you speak for 5 minutes? And he was, you know, rather you coming to me, I was after him. So that kind of a quality you have, so that kind of achievement you should have. So that the school, after you have passed out, requests you to come as an alumni, rather than forgetting you as just one of the name in the many students who have passed in the university. With that, thank you so much. Thank you. Information. And with this, I would like to add one more thing on behalf of everyone. We would like to have many more such sessions from you, sir. Thank you. With this, we have come to an end of our today's session. Thank you, everyone.